Hey guys, Assalamu Alaikum, I'm Hussain and welcome to my YouTube channel Education Made Simple. दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 10th एंड 12th क्लास के बोर्ड्स अप्रोच हो रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं. सो टू टैकल बोर्ड्स हम सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, टेंस्ड हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे तैयारी करेंगे, कैसे मार्क्स आएंगे. सो इन दैट ऑर्डर आई विल बी लॉन्चिंग अ मिशन बोर्ड सीरीज़, जिसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी ये सीरीज़ फॉलो करेंगे और जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ उस तरह से आप पढ़ेंगे, तो आप आने वाले बोर्ड्स में साइंस और एसएसटी में 80% मार्क्स मिनिमम स्कोर कर जाएंगे. मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जिन्होंने अब तक बुक्स उठा के ही नहीं देखी हैं, जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है. अगर वो भी इन आने वाले टाइम फेब तक मेरी इन वीडियोज़ को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आई गारंटी यू कि आप एसएसटी और साइंस में 80% मार्क्स बहुत ईजिली स्कोर कर जाएंगे. व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी अपलोडिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोज जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, उन्हें एक्सप्लेन करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ उसमें बता सकते हैं. इस तरह से हम बोर्ड्स की तैयारी करेंगे. अगर आप टेंस्ड हैं तो बच्चों मैं आपको बता दूं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी है तो उसमें ही आप अपना ध्यान दीजिए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो. आज की वीडियो में दोस्तों हम फिजिक्स के अक्रॉस चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा. डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, डिटेल में मैं तब जाऊंगा जब मैं चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स बताऊंगा. आज मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ताकि आपको एक माइंड मेकअप कर सकें कि फिजिक्स में मुझे ये ज़रूर पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का क्वेश्चन 110% पेपर में आएगा, जिसमें आप 2 से 3 मार्क आराम से स्कोर कर सकते हो. इसमें आपको ओम्स लॉ क्या है पता होना चाहिए, डेरिवेशन उसका मालूम होना चाहिए, ओके, और उस पर आपको न्यूमेरिकल करना आना चाहिए. आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हम आने वाले वीडियोस में हम उसे सीखेंगे. सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ओम्स लॉ, ओके. ओम्स लॉ के बाद डोमेस्टिक सर्किट. सर डोमेस्टिक सर्किट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तो क्या क्या मेन पढ़ना है. मेन इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों फ्यूज वायर, ओवरलोडिंग, ये टॉपिक्स मेन आपको आने चाहिए. फ्यूज वायर का वर्क, ओवरलोडिंग, ओके. अच्छा, अलावा इसके इलेक्ट्रिसिटी से और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जब हम चैप्टर वाइज जाएंगे तब पढ़ेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट में आ जाते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आएगा ही आएगा 100%, दैट इज ईएमआई पेपर में 100% आएगा दोस्तों, आप अभी लिख के रख लीजिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. इधर डायग्राम आ जाएगा, डायग्राम मतलब इसमें जनरेटर हेल्प से डायग्राम आ जाएगा, या एक एक्टिविटी आ जाएगी जिसमें आपको एक डायग्राम दे रखा होगा, उसमें आपको लेबलिंग करने के लिए देंगे, या डायरेक्ट आपसे ईएमआई की डेफिनेशन बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा. तो ईएमआई पे क्वेश्चन 110% आएगा. इस टॉपिक को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है. ईएमआई के अलावा जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा कोई ख़ास पेपर में नहीं आते हैं. ईएमआई के अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्लेमिंग्स रूल. फ्लेमिंग के जो रूल है, स्पेशली राइट हैंड थंब रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस जो है ये पेपर में नॉर्मली आ जाते हैं, ओके. सो इन दो चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं ह्यूमन लाइट टॉपिक पे, जिसमें आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन है. उस टॉपिक से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मिरर फॉर्मूला. और लेंस फॉर्मूला.
sorry. इन पे न्यूमेरिकल प्लस डायग्राम 5 मार्क्स में आएंगे और 110% आएंगे. मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पर डायग्राम ज़रूर आएगा न्यूमेरिकल के साथ 5 मार्क्स में. ओके, तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना है. अलावा इसके स्नेल्स लॉ, दैट इज हमारा रिफ्रैक्शन, वो हमें मालूम होना चाहिए. सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है. अलावा इसके अगर हम ह्यूमन आई में आते हैं, ह्यूमन आई जो हमारा टॉपिक है, उस चैप्टर है, उसमें हमें डिजीजेस, जो हमारी डिजीज है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इन दो में से एक 100% आएगी दोस्तों. मिनिमम 3 या 5 मार्क में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा. और प्लस जो हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की उसमें एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, या फिर हमारा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो गया, या एडवांस सनसेट और डिलेड सनराइज हो गया, इस तरह के भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन 3 मार्क में या 2 मार्क में ज़रूर आएंगे. सो इस तरह के आपको हमें प्रिपरेशन रखनी है. ओके, बचता है हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमें थर्मल पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है. और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसमें से, उस चैप्टर में से अगर कुछ आएगा मेनली, तो फिजन और फ्यूजन, ये टॉपिक ज़रूर आएंगे. फिजन और फ्यूजन आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे. तो फिजन और फ्यूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उसमें से हमें आना है. मैं लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन. ओके, सो दोस्तों फिजिक्स में हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं वो ये करने हैं. इसके अलावा हम चैप्टर वाइज भी जाएंगे, इन टॉपिक्स को डिटेल में भी समझेंगे. आज के लिए बस इतना ही. आपको इसमें से कोई टॉपिक आता है, नहीं आता, कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए. और ऐसे ही आप आगे भी वीडियो चलेंगे, आप उसमें किस तरह से अप्रोच करना चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट में डालिए. और आपको अगर समझ में आया हो तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो आप वो पूछ सकते हैं. अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. Yeah.